एलबी सैदफ और मनोहर फारूकी दोनों ही सोशल मीडिया की ऐसी हस्तियां हैं जिनका विवादों संग गहरा नाता रहा है। बीते दिनों ही दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें दोनों की बॉन्डिंग देख ट्रोलर्स हैरान हो गया था। अब मनोहर से दोस्ती पर एलबी सैदफ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। दोस्तों, एलबी सैदफ और मनोहर फारूकी दोनों सोशल मीडिया की एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो आए दिन किसी न किसी विवाद पर फंस ही जाते हैं। एलबी सैदफ हाल ही में एक या दो नहीं बल्कि तीन बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आए थे। कुछ समय पहले उन पर रेप पार्टी में सांपों के जहर की तस्करी करने का आरोप लगा था। इसके बाद उनका मैक्सटन को पीटने का वीडियो सामने आया था। इसके अलावा वो एक और विवाद में फंस गए थे और वो थी स्टैंड अप कॉमेडियन मनोहर फारूकी संग उनकी दोस्ती। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के दौरान एलबी और मनोहर के कई वीडियो सामने आए थे, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद यूजर ने उन्हें मनोहर संग बढ़ती दोस्ती को लेकर ट्रोल किया था और उनके धर्म पर भी तांस कसा था। अब इस पूरे मामले पर एलबी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यूट्यूबर एलबी सैदफ ने हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर दो ट्वीट कर अपनी सफाई पेश की है। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये ट्वीट उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी और अभी भी उन्हें लगता है कि मैंने मनोहर को गले लगाया, बल्कि साफ पता लग रहा है। मैं बता भी चुका हूँ कि मैंने उसको आउट करने पे सिरा कर बोला था मजा आ गया, फिर भी लोग उसके पीछे का मतलब नहीं समझ पा रहा है। एलबी सैदफ का गुस्सा यही पर शांत नहीं हुआ, उन्होंने उनके हिंदू होने पर सवाल करने वाले ट्रोलर्स को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। एलबी सैदफ ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि मुझे मेरे हिंदू होने का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदुत्व की आवाज उठाने के लिए आज तक क्या क्या नहीं किया। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे दिल से खेद दे, कृपया किसी के कहने से मैनिपुलेट ना होए। आपको बता दे, जब मनोहर बिग बॉस के घर में थे उस दौरान एलबी संग उनके मानमोताओं की खबरें सामने आई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि एलबी नहीं चाहते थे कि ट्रॉफी मनोहर के हाथ में आए। फिलहाल एलबी सैदफ की इन दोनों ट्वीट्स पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर दे और ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।